गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस फ्लावर क्रॉप। ठीक है, फ्लावर को आज अपने डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट हमारा फ्लावर है वो है हमारा रोज़। ठीक है, रोज़ हमारा फ्लावर है। रोज़ साइंटिफिक नेम है रोज़ा स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज़ इसलिए स्पीसीज़ उसके पीछे लगता है जिसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो अलग अलग स्पीसीज हैं, उसको अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम आप लिख सकते हो रोज़ा स्पीसीज। फैमिली रोजेसी है, ओरिजिन इंडिया है और क्रोमोसोम नंबर 2N14 है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। इट इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का, ईरान का और सम अमेरिकन स्टेट का क्या है, ये फ्लावर है, नेशनल फ्लावर मानते हैं इसको इंग्लैंड और ईरान का। ठीक है, और इसके अंदर मेनली नॉन एज किंग ऑफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, फूलों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फ्लावर कहते हैं रोज़ को। ठीक है, और इसके अंदर मेन जो हैं, अल्फा गार्डन इंग्लैंड के अंदर बिगेस्ट गार्डन है रोज़ का, अल्फा गार्डन। इंडिया के अंदर रोज़ गार्डन चंडीगढ़ का तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, इंडिया के अंदर रोज़ गार्डन चंडीगढ़ है, वो सबसे बड़ा रोज़ का गार्डन है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप बाय रोज़ एंड आल्सो इन राजस्थान। राजस्थान खासकर पुष्कर और नाथद्वारा के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग होती है गुलाब की, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, रोज़ मेहंदी भी आती है, ये भी पुष्कर अजमेर के अंदर बिकती है। और स्टेट की बात करें तो लीडिंग स्टेट इसका यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई थी फ्लावर एरिया सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी का है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना तुम, ये वाली लाइनें छोड़ दो। लास्ट पॉइंट है, फ्रूट को हिप्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रूट ऑफ रोज इज़ नाउन एज हिप्स बोलते हैं फ्रूट को। यूजेज ऑफ रोज़ की बात करें, रोज़ के यूजेज क्या क्या हैं, तो कट फ्लावर के तौर पर अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, रोज़ आर फॉर मोस्ट कमर्शियल इंपॉर्टेंट रोज़, कट रोज़ हैव द हाइएस्ट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड ईयर राउंड। ठीक है, तो कट फ्लावर जो है रोज़ का, उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। सेकेंड, गार्डन डिस्प्ले की बात करें, रोज़ आर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिनियल गार्डन है, प्लांट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इसके अंदर पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है गार्डन डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, रोज़ लगा देते हैं ताकि गार्डन अच्छा लगे। पॉट प्लांट है तो गमले के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं, पॉट के तौर पर इसको लगाया जा सकता है। रोज़ वाटर है, गुलाब जल जो बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है गुलाब का। ठीक है, परफ्यूम भी बनते हैं, ये जो गुलाब जल बनाया जाता है रोज़ वाटर जिसको बोलते हैं, ये परफ्यूम के अंदर यूज़ होता है, मेडिसिन में यह यूज़ होता है। ठीक है, मेडिसिन के अंदर जैसे आँख वगैरह में कचरा डाल जाए तो गुलाब जल डाल देते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी कूलिंग होती है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कूलिंग एंड बॉडी एंड ऑफन यूज इन आई लोशन एंड आई ड्रॉप्स फॉर सोथिंग पर। तो आई लोशन और आई की अपने आई ड्रॉप्स के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रोज़ ऑयल। ठीक है, रोज़ वाटर अलग है, रोज़ ऑयल अलग है। रोज़ ऑयल इज इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है, ऑब्टेन फॉर रोज़ पिटल, रोज़ की पंखुड़ियों से इसको निकाला जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, यूजेज इन आयुर्वेदा के अंदर इसे यूज़ होता है। ठीक है, बुल्गारियन रोज़ भी यूज़ करते हैं परफ्यूम के तौर पर। गुलकंद आ जाता है, नेक्स्ट इसका क्रॉप है गुलकंद जो मार्केट में मिलता है। तो रोज़ पिटल प्रिजर्व फॉर डायरेक्ट कंजप्शन बाय मेकिंग गुलकंद विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय पाउंडिंग इक्वल प्रपोर्शन ऑफ पिटल्स एंड वाइट शुगर। ठीक है, तो 1:1 के अंदर शुगर और आपका फूल जो पिटल्स हैं रोज़ के, उसको मिक्सअप करके इन्हें गुलकंद बनाया जाता है। बोथ हैज टॉनिक का भी काम करता है और लैक्सेटिव भी होता है। लैक्सेटिव का मतलब हल्का दस्तावर होता है। ठीक है, तो गुलकंद उसके लिए बनाते हैं अपने। ठीक है, तो ये यूजेज हो गए। नेक्स्ट पंखुड़ी आ गया, ड्राई रोज पिटल होते हैं जो सूखे रोज़ हैं उनको पंखुड़ी बोलते हैं। ओकेजनली यूज़ फॉर प्रिवेंटिंग स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं सूखे फूलों का, ठंडी रहती है वो। गुल रिज रोज़ ब्रोकन है। ठीक है, रोज़ हेल ऑयल प्रिपेयर्ड फॉर रोज़ पिटल बाय इन्फ्यूजिंग वेट सेसम ऑफ सीड। ठीक है, तो ये रोगन वगैरह के भी इसका बनता है, मार्केट में मिल जाता है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी भी होता है, 119 ग्राम mg पर हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, और मेनली और सिर्फ वाइन, जैम, जली काफ़ी कुछ बनता है, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट हैं इसके। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो सूटेबल क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर है 15 to 27 degrees का टेम्परेचर होना चाहिए। सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल बेस्ट है रोज़ कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, लोमी सॉइल बेस्ट है। आगे प्रोपोगेशन की बात करें तो दो टाइप्स होता है, एक होता है बडिंग, एक होता है कटिंग। क्या हाइब्रिड और फ्लोरीबंडा, ये दो स्पीसीज के नाम है, हाइब्रिड और फ्लोरीबंडा रोजली मेनली प्रोपिगेटेड प्री बडिंग। ठीक है, याद रखना, हाइब्रिड गुलाब और फ्लोरीबंडा रोज़। ठीक है, हाइब्रिड रोज़ और फ्लोरीबंडा रोज़।
टी बडिंग ये कॉमन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। टी बडिंग क्या होता है, देखो टी शेप के अंदर क्या है, इस तरह से टी शेप का जनरली मैं तो टी शेप का क्या है, एक कटान लगा लेते हैं, ठीक है। टी शेप का कटान लगा के उसकी क्या है, छाल उतार लेंगे टी शेप के अंदर इस तरह से, छाल उतार कर और उस छाल को जैसे गुलाब के पौधे से टी आकार की छाल निकाल लेंगे, और जिस पौधे पर अपने गुलाब का पौधा तैयार करना है ये टी आकार की छाल उतार कर उस पर लगा देंगे, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, ये अपना बडिंग वाला प्लांट तैयार हो जाएगा टी शेप में काट कर, और दूसरा जो गुलाब के जिस पौधे पर गुलाब तैयार करना है उस पर लगा देंगे, ठीक है। रूटस्टॉक और जो पौधा जो पहले उगाते हैं रूटस्टॉक के लिए, रोज़ा मल्टीफ्लोरा का यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के अंदर ऑल्टरनेटर और रोज़ा ब्लूम, इंडिया के अंदर जनरली क्या है इसका यूज़ होता है रोज़ा मल्टीफ्लोरा का, ठीक है। रोज़ा इंडिका का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थन इंडिया के अंदर रोज़ा इंडिका का भी यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कटिंग के अंदर, स्कैंटेड रोज आर मेनली प्रोपोगेटेड थ्रू कटिंग, हार्डवुड कटिंग ऑफ केस ऑफ पोलियंथस है क्लाइंबर है रेम्बलर सेमी हार्डवुड कटिंग आर मिनिएचर आर यूज, ठीक है। हार्डवुड कटिंग क्या होता है, आप इसकी जहाँ पर जिस तरीके से अपने यहाँ पर करते हैं, एक डाली लेते हैं और गुलाब की एक डाली को काट कर ही लगा दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कटिंग। बेस्ट मेथड है इसका नवंबर से दिसंबर, इसका बेस्ट मेथड है बडिंग का। बेस्ट प्लांटिंग टाइम है इसका सितंबर से अक्टूबर के बीच, बेस्ट इसका प्लांटिंग टाइम है। और हिली रीजन जो है पहाड़ी क्षेत्र है, अक्टूबर से नवंबर या फरवरी मार्च के अंदर इसे लगाते हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो 60 R × R और P × P 60 × 30 cm पर लगा सकते हैं, और नॉर्मली 60 × 60 cm पर भी लगा सकते हैं। प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग का मतलब होता है काटना छटाई करना, तो एक्जैक्टली 60 to 65 days द रेट ऑफ रिक्वायरमेंट फ्लावर ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर तक लगा सकते हैं, ठीक है। 60 to 65 days पर क्या है, अक्टूबर दिसंबर में हम इसको लगा सकते हैं। प्रूनिंग नेसेसरी होती है, अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे तो शाखाएँ क्या है एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाएंगी या इधर उधर टेढ़े मेढ़े बढ़ेंगे, जिससे आपकी एल्ड नहीं मिलेगी, तो प्रूनिंग एसेंशियल होती है, ठीक है। जनरली अक्टूबर दिसंबर से करते हैं, तो ये याद रखना। वराइटीज़ क्या क्या अपने बात करेंगे, डिफरेंट वराइटीज़ हैं रोज़ की, ठीक है। तो एक टी रोज़ है, हाइब्रिड रोज़ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या है ना, स्पीसीज़ का नाम याद रखना है और उसकी वराइटीज़ का नाम याद रखना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है टी रोज़ है, टी लोग के अंदर क्या है जनरली क्या है टी लाइक की इसमें गंध आती है, ओडियोर आती है। हाइब्रिड टी की बात करें तो ये क्या है, इसको क्रॉस करा के तैयार कराएगा था हाइब्रिड को, ठीक है। परपेचुलस और चाइना रोज से क्रॉस करवा कर क्या है इसको तैयार करवाया गया था, ठीक है। इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं, लाल रंग की जैसे है तो हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ब्लैक लेडी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। येलो कलर की बात करूं तो गोल्ड मेडल है, गोल्ड स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, गोल्ड स्टार है, ठीक है, गोल्ड मेडल पूसा सूर्य है। ऑरेंज की बात करें तो सुपर स्टार काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, प्रेजिडेंट भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बाई कलर की मैं बात करूं तो सुप्रिया इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अभिसारिका किस ऑफ फायर इंपॉर्टेंट वैरायटी है। स्कैंडर्ड वैरायटी की बात करें तो एवोन ग्रांडा इनकी इंपॉर्टेंट वैरायटी। फ्लोरीबंडा की आगे बात करें तो टी रोज, ये क्या है टी रोज और पोलियंथा जो स्पीसीज है, ठीक है, टी रोज की स्पीसीज और पोलियंथा स्पीसीज को क्रॉस कर कर तैयार किया गया। इसकी जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाइट रोज है, तो इसकी चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पिंक की बात करें तो किंग अर्धर सदाबहार याद रखना, ठीक है, पिंक की सदाबहार है। येलो की आपकी आ जाएगा गोल्डन टाइम आ जाएगा, मूव ऑरेंज ये छोटो सूर्य किरण ऑरेंज जो ऑरेंज कलर की सूर्य किरण जो है वो तुम देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कैंडर्ड की बात करें तो एंजल फेस है, दिल्ली प्रिंसेस है, इसको अपने कर सकते हैं। पोलियंथा जो है ये टी रोज और फ्लोरीबंडा के क्रॉस से तैयार किए गए, ठीक है, टी रोज और फ्लोरीबंडा के क्रॉस से है, और मिनिएचर गुलाब है। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा सा, तो ये स्मॉल साइज़ का होता है, ठीक है। इसके अंदर रेड की बात करें तो फास्ट फायर है, वाइट की बात करें तो पिंक की बात करें तो डिजलर है, येलो की बात करें तो बेबी गोल्ड स्टार है, ठीक है, और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लाइंबर वाले गुलाब है, क्लाइंबर का मतलब है लता गुलाब जिसको बोलते हैं, ठीक है। लता गुलाब जो है रेड कलर में क्रिम्सन ग्लोरी आ जाता है, कॉकटेल आ जाता है। वाइट के अंदर बात करें तो रेम्बलर इंपॉर्टेंट वैरायटी है, रेम्बलर इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पिंक की बात करें तो पिंक मेरान की बात अगर, ठीक है, पिंक में तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेमन की बात करें तो गोल्ड शावर इंपॉर्टेंट वैरायटी है काफ़ी, गोल्ड शावर।
ठीक है। रोज़ा इंडिका जो है पुष्कर गुलाब जिसको बोलते हैं, जनरली राजस्थान में उगाया जाता है, खासकर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर के पुष्कर जो पवित्र नगरी मानते हैं वहाँ रोज़ा इंडिका स्पीसीज को उगाया जाता है, ठीक है। तो बाकी जो आगे वाला पार्ट है वो अपने कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।